15 अप्रैल को पूरे देश में लॉकडाउन खुलने की उम्मीद बेहद कम है, जहां पंजाब ने पहले ही 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि पंजाब के बाद जो देश का सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र, तो वो भी इसको फॉलो करेगा और वो भी लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा देगा। लेकिन जो राज्य बचेंगे वो लॉकडाउन को किस तरह से हटाएंगे? तो अगर ताजा सूत्रों की माने तो ऐसी उम्मीद है कि लॉकडाउन जो हटेगा 15 अप्रैल में, वो पूरी तरह से नहीं हटेगा। मतलब लॉकडाउन कुछ इस तरह से हटेगा, जिन इलाकों में हटेगा, कि 15 अप्रैल को जब लॉकडाउन हटे तो ऑड इवन में गाड़ियाँ चले, मतलब सारी गाड़ियों को एक साथ चलने ना दिया जाए। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरा ना चले और उसमें भी यात्रियों की सीमा सीमित हो कि इतने ही यात्री इस बस में बैठ सकते हैं, इतने ही यात्री सफ़र कर सकते हैं। इस सब के अलावा इस बात की पूरी उम्मीद है कि जो स्कूल कॉलेज के साथ साथ मॉल हैं और धार्मिक स्थल है, वो भी 15 मई तक बंद रहने की सरकार आगे प्रस्ताव पास कर सकती है कि 15 मई तक ये चीज़ें ना खुलें। कुछ ऑफिस हैं जिनको खोल दिया जाएगा, खास करके वर्क फ्रॉम होम वाले जो हैं उनका तो काम चल ही रहा है, लेकिन कुछ कंपनियों की शिकायत थी कि वो वर्क फ्रॉम होम करने ही वाले थे और उनको उसके लिए 1 से 2 दिन चाहिए थे, लेकिन सरकार ने सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया, वो भी रात का। अगर 1 दिन का वक्त दिया होता तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को सिस्टम दे देते और आज हमारा भी वर्क फ्रॉम होम हो रहा होता और हमें घाटा ना हो रहा होता। तो ऐसी उम्मीद है कि कुछ कंपनियों के लिए या फिर ज़्यादातर कंपनियों के लिए 2-3 दिन के लिए इस लॉकडाउन को खोल दिया जाए। तो देखने वाली बात होगी आगे आगे क्या होता है, लेकिन इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि लॉकडाउन पूरी तरह से खुलेगा। जहां भीलवाड़ा मॉडल उत्तर प्रदेश में भी लागू हो गया है, उत्तर प्रदेश के 15 जिले पूरी तरह से सील डाउन हो गए हैं आज रात के 12 बजे से। तो देखने वाली बात होगी अगले 1 हफ्ते के बाद सरकार किस तरह से लॉकडाउन में हल्की हल्की छूट देती है या पूरी तरह से छूट देती है। हालांकि लॉकडाउन अचानक से खुलेगा इस बात की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लॉकडाउन धीरे धीरे खुलेगा, हल्की हल्की छूटों के साथ खुलेगा इस बात की पूरी उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।